अनुष्का, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। वैसे तो हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। ऐसे में साल में कुछ 24 एकादशियां होती हैं। इनमें से निर्जला एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। इस दिन श्रद्धालु बिना जल के प्यासे रहकर व्रत रखते हैं। ऐसे में यह व्रत काफी कठिन हो जाता है। इस बार यह त्योहार आज यानी कि 31 मई बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन दो शुभ योग भी बन रहे हैं, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों योग में कोई भी कार्य किए जाए तो उसमें सफलता जरूर हासिल होती है। इस बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई दोपहर 1:07 से हो गई थी। वहीं इस तिथि का समापन 31 मई दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का त्यौहार 31 मई को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 8:51 तक है। इसके बाद 10:35 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। इस बार निर्जला एकादशी पर दो शुभ योग बन रहे हैं, ये सर्वार सिद्धि योग और रवि योग हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को बेहद शुभ माना गया है। इनमें कोई भी कार्य किए जाएं तो अवश्य सिद्ध होते हैं। सर्वार सिद्धि योग की बात करें तो इसका समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। वहीं रवि योग भी सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। इन दोनों योगों में पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। निर्जला एकादशी पर कलश, नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज का दान करना पुण्य का कारक माना जाता है। इस दिन जो लोग जल का दान करते हैं उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वहीं नमक दान करने से जीवन में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही वस्त्र दान करने से आयु और तिल दान करने से दुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन आप पूजा के समय कुछ दुर्लभ मंत्रों का जाप करने से आप हर तरीके की मुश्किलों से दूर हो सकते हैं और धन धान्य प्राप्त कर सकते हैं। समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। ओम ह्रीम प्राप्त वेद्यो अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यश स्मरणे मात्रेन हितम नष्टम च लभ्यते। ओम आम संकर्षणाय नमः। मूर्तो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अग्रत विश्व रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धन धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम पैच तुलसी त्वम नमस्तुते। ओम आम प्रद्युम्नाय नमः। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अधिक लाभ होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।